मार्केट में मिलते हैं तो वहाँ जाने के बाद बता दूंगा कि आपको कैसे आना जाना है। तो भाई अभी जनकपुरी वेस्ट से आया था या कीर्ति नगर मिले हैं भाई। तो अभी INA का प्रोग्राम था, पहले INA जाना है, एक बार कुछ काम था भाई को INA। तो भाई ये भाई उसी साइड बैठे, 10 मिनट से हम उधर बैठे, तो अभी मेट्रो आई है वैसा भी सेंट्रल, तो उसी में जाने वाले थे भाई। मैंने आ दिलाया इनको, नहीं तो चले जाते हैं। तो भाई वीडियो बनाने के लिए करना पड़ता है यूट्यूबर से यार, थोड़ा तो कंफ्यूजन तो हो जाता है। ध्यान तो रखना है ना, जाना किस साइड भाई, तो भाई वापस जाते इतना टाइम वेस्ट होता है यार। तेरे को किस लिए रखा है साथ में? तो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी से करोल बाग में। तो भाई अभी आ चुके हैं गफार मार्केट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो पूरा मतलब हर तरीके की चीज मिल जाएगी आपको यहाँ पे, मतलब बिल्कुल कपड़े से रिलेटेड, फोन या फिर जिस तरीके की आपको चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो अभी क्या हम मोस्टली इसमें वो ढूंढ रहे हैं फ़ोन मार्केट, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो आते ही यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जाती बंदे मिलेंगे कि भाई ये ले लो वो ले लो सस्ती चीज़ें बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल देख के लेना, क्योंकि काफ़ी कई बार महंगी भी देते हैं और सस्ती भी। देखो मेरे यहाँ से हाथ के बाल काट दिए एक बंदे ने, वो ट्रिमर लिया हुआ था उसने भाई, मेरे को लेना नहीं था बिल्कुल फिर भी। तो अभी देखते हैं फ़ोन की मिलती है तो भाई बताओ। भाई वो स्टार्टिंग ट्रिमर बोला 300 रुपये का, फिर 280 पे आया, फिर 200 पे आया, फिर लास्ट में 100 पे 100 पे आ गया, बोला 100 भाई बोनी करा दो 100। तो भाई हमें लेना नहीं था ट्रिमर, अभी इतनी शेव करते भी नहीं भाई। वैसे यार ये बकवास चीजें मिलती भाई, लेना भी मत यार, मतलब ले जाओगे आप घर, ले जाओगे 2 दिन चले जाओ, तीसरे दिन बंद हो, मतलब कि चेक करके लेना। 100 रुपये मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, अगर आप ट्रिमर के लिए दे रहे हो तो उसमें मतलब कि ठीक चीज़ है, अगर चल जाए तो, अगर 6 महीने भी निकाल दे ट्रिमर तो ठीक चीज़ है यार। पर भाई 6 महीने नहीं निकाले वो, दूसरे दिन ले, लेकिन हाँ लेकिन गाइस सबसे मेन बात ये है कि वो ट्रिमर आपको चार्ज करना पड़ेगा, वो प्लग इन प्ले नहीं है, तो चार्ज उसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अभी आपको जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल फ़ोन की मार्केट दिखाते हैं। भाई छोटे फोनों के कवर है भाई ये, मतलब भाई के कैसे दिए बॉडीज फोन की, कौन सी कितने 20 की कोई सी भी 10-10 रुपये भाई, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 10 रुपये की फ़ोन की बॉडी मिल जाएगी आपको, कोई सी फ़ोन की ले सकते हैं भाई। ये तो दिल्ली में मिलने मुश्किल है, मतलब मिलते ही नहीं आ रही, तो बहुत और 20-20 रुपये में आपको दूसरे फ़ोन की मिल जाएगी, इस तरीके की है, तो आपको सारी तरीके की चीज़ मिल जाएगी। वो फ़ोन के बैक कवर हैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड भाई, क्या प्राइस है बैक कवर्स का, कितने के हैं? 40 रुपये ज़्यादा लोगे तो 200 मिल जाएगा भाई, ज़्यादा लेंगे तो 10 रुपये मिल जाएगा भाई, इतना ज़्यादा लेंगे तो 10 का। तो भाई ये आई पैक वाले कवर हैं, प्लास्टिक वाले तो बिल्कुल सस्ते मिल रहे हैं भाई, 10 रुपये मार्केट में 150-150 रुपये मिलते हैं। तो बाकी दिखा क्या उसमें, तो भाई यहाँ पे एक भाई मिले हैं, बता रहे हैं कितने का सामान कैसे क्या मिलता है, तो भाई एक बार बताना भाई साहब। गफार मार्केट के रोड पटरी पे बैठते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास जो मार्केट में मिलता है आपको 100-150 रुपये का सामान, अच्छा। ये वाला आपको 20-30 जैसी क्वालिटी होती है उस हिसाब से हल्के से कम से कम रेट में दे देते रहते। तो क्या कितना चल जाता है वो सामान आपके हिसाब से? बिक जाता है हमारा, जैसे आपको मार्केट में 100 रुपये का मिल रहा है, अगर हमारे पास रोड पर आ गया ये वाला तो आपको 20 रुपये का मिल जाएगा। मतलब चलता कितने टाइम तक चल जाता है? वो भी उतना चलेगा जितना ये भी चलेगा। अच्छा यहीं से ले जाके बेचते हैं? जितना आपको गारंटी देके बेचते हैं वही वाला सामान आपको यहाँ पे उसे मिलेगा।
तो गाइस जैसा कि अब भाई ने बताया कि ये सामान यहीं से जाके बिकता है सारा, और फिर वहाँ पे बिल्कुल महंगा बिकता है 150-200 रुपये सामान का, और फिर इतना ही चलती है दोनों चीज़। तो अभी और आगे चीज़ देखते हैं क्या। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं गैलेक्सी कम्युनिकेशन पे, तो मैं आपको शॉप ऐसे बाहर से दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके की है। तो अभी हम जाते हैं शॉप पे और शॉप पूछते हैं कि ये जो भी सारे आइटम्स रखे हुए हैं ये इनके खुद के आइटम्स हैं, और क्या कुछ प्राइस है, और क्या रिटेल में सेल करते हैं या होलसेल में। तो भैया एक बार बताना कि क्या कुछ प्राइस किसका पड़ता है, कितना आपका टाइप हो रहा है? हाँ जी भैया, ये होलसेल में 250 का है। ठीक है, और क्वांटिटी उठाने में रेट देते भी हैं। ठीक है, ये ब्लू टूथ स्पीकर आपका, ठीक है, ठीक है, 150। यस ओके। ये कार बीटी, ये कार ब्लूटूथ जो नॉर्मली आप मार्केट में 250-300 खरीदते हो, ठीक है, ये होलसेल में 80 रुपीज़ देती है। तो मतलब होलसेल में कितने में दे देते हो आप? मिनिमम 50 पीस। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 port USB है भाई। ठीक है, 6 मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हो, 200 रुपीज़ का होता है। 200। ये ब्लूटूथ वाला iPhone होता है, ये वो एप्पल की तरह जो आते हैं एप्पल फ़ोन में, कितने के हैं ये? 400। तो ये मतलब नॉर्मल एंड्रॉयड से कनेक्ट हो जाते हैं आसानी से, किसी से भी। तो एक बार खोल के दिखा। तो मतलब बिल्कुल एप्पल के उसकी तरह ये, यहाँ पे इसका बटन है। तो 400। चलो ठीक है, और दिखाओ और क्या है आपके पास आइटम्स। मोबाइल पकड़ने के लिए ओके स्टैंड होता है। अच्छा, 20 रुपीज़। और अगर रिटेल में जैसे मैं ये लेना चाहूँगी वाला एक पीस, तो आपको कितना फ़र्क आएगा? सिर्फ 50 रुपीज़। ठीक है, तो वैसे ये ऐसे ही है, अगर मार्केट में ले जाके बेचते हैं तो इसको 70-80-90-100 तक का ही बेच देते हैं, तो यहाँ कितने 20 का मिल रहा है, बिल्कुल सस्ता सा। ये WSB 2.4 एम्पीयर का मेरा चार्जर है, मेरी ब्रांड का, ठीक है। तो गाइस ये इनकी खुद की ब्रांड है, तो iZap। तो ये कितने का प्राइस है? 90 रुपीज़। तो मतलब इसमें काफ़ी बढ़िया चार्जिंग हो जाती है, 1 ईयर वारंटी है, विद 1 ईयर वारंटी। ये 5D टेम्पर होते हैं। 5D टेम्पर? यस, ये नॉर्मल टेम्पर से अलग होते हैं। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है इसमें 5D टेम्पर्ड में और नॉर्मल टेम्पर्ड? ये फ्लेक्सिबल भी होता है और फोन गिरने पे फोन टूटता नहीं है। अच्छा, टेम्पर टूटता है, फोन टूटता नहीं है। नॉर्मल टेम्पर्ड में टेम्पर्ड और डिस्प्ले दोनों टूटता है। क्रोम दे रखा है क्या साइड में लुक के लिए? नहीं नहीं, क्रोम नहीं है, क्रोम नहीं होता, पीछे कवर एक्स्ट्रा है। प्राइस जो ब्लैक जो बाउंड्री दे रखी है ये फोन की बाउंड्री के हिसाब से है ना। ओके, तो प्राइस क्या है इसका? ये 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ विद फिटिंग या ओनली पीस? ये 2.4 एम्पीयर का मेरा दूसरा चार्जर है। ये भी आपकी खुद की ब्रांड है ना? ये मेरी खुद की ब्रांड है। एक ये है, एक ये है। तो इन दोनों का प्राइस क्या है? ये 100 रुपीज़। ठीक है, ये 60 रुपीज़। ठीक है, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर। तो इसका प्राइस क्या है? 90 रुपीज़। 90 रुपीज़। साउंड कैसी आ जाती है इसकी? नॉर्मल मतलब कि अच्छे से मतलब गाने सुन सकते हैं कोई? एक रूम के हिसाब से अच्छी है। ठीक है। ये आपकी कार ब्लूटूथ, कार ब्लूटूथ क्या प्राइस है इसका? 100 रुपीज़। नेक बैंड है आपका ब्लूटूथ वाला। तो ओके, ये एक बार इसको खोल के दिखा सकते हो आप? वायरलेस होता है ये, वायरलेस ब्लूटूथ के साथ। बैटरी बैकअप कितना क्या है इसका? 4 घंटे का। 4 घंटे का, ठीक है, अप्रोक्स 4 घंटे। क्या प्राइस इसका? 200 रुपीज़। कितने टाइम में चार्ज हो जाता है ये? 1 से 1.5 घंटे। ठीक है। ये नई आइटम आई है, पोको फोन। हाँ जी, एक बार खोल के दिखाओ इसको, क्या फंक्शंस वगैरह है इसका? बढ़िया लग रहा है देख के। तो अच्छा, ये तो घर के लैंडलाइन टाइप? हाँ जी, हाँ जी, वायर से फ़ोन से कनेक्ट होता है ये। ठीक है, वॉल्यूम का ऑप्शन भी है इसमें, नॉर्मली बात करते हैं इसमें। ओके, तो क्या प्राइस इसका? 180। ठीक है, ये पावर बैंक है मेरी ब्रांड की, 10,000 mAh। 10,000 mAh का पावर बैंक, इनकी खुद की ब्रांड। इसकी कुछ वारंटी वगैरह? 1 ईयर वारंटी। 1 ईयर वारंटी। तो गाइस जो भी इनका खुद का ब्रांड है इस पर 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, और बिल्कुल मतलब बढ़िया क्वालिटी है, मैं खुद देख रहा हूँ। तो इसका प्राइस क्या है? 350। और नेक्स्ट एंड पे आते हैं स्पोर्ट्स एंड फ्री। स्पोर्ट्स एंड फ्री,
तो ब्लूटूथ के साथ है। क्या प्राइस इसका? ये 100। तो वैसे आप इसको जॉगिंग के टाइम पे या स्पोर्ट्स के टाइम, क्रिकेट वगैरह खेलते टाइम आराम से लगा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो म्यूज़िक को। और ये सेल्फी होती है, ये सेल्फी स्टिक्स हैं, ये छोटे वाली और ये बड़ी। तो दोनों का प्राइस क्या होगा? ये 40 रुपीज़, ये 30 रुपीज़। ये 30 और 40, काफ़ी चीप है। तो नेक्स्ट आइटम ये बाइक स्टैंड होता है, ठीक है, 100 रुपीज़। राइडिंग के टाइम में बाइक के हैंडल पे लगाया जाता है, वो हैंडल पे लगा और नेविगेशन वगैरह के लिए। हाँ जी, ठीक है ठीक है। लॉक भी है, ओके, जो फ़ोन पे ही निकालना सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से लॉक होता है ये। हाँ हाँ, ओके। और ये क्या है? ये एलईडी लैंप है। एलईडी लैंप, सोलर सिस्टम है इसमें, ठीक है। पावर बैंक भी है इसमें, लाइट से रिचार्ज होती है, ओके, यहाँ होती है और पोर्ट्स लग गई इसमें, ठीक है। इसका क्या प्राइस वगैरह? 150, ठीक है, काफ़ी सस्ता अच्छा है। तो इसमें पावर बैंक भी है? हाँ जी। कितने एमएएच का है वो पावर बैंक? इसमें हर छोटी बैटरी होती है इसमें, मतलब कि फ़ोन को एक बार तो चार्ज कर ही देगा, ठीक है ठीक है। ऑक्स केबल होती है मेरे ब्रांड की। तो ये आपकी खुद की ब्रांड है ऑक्स केबल? यस, 9 रुपीज़। तो गाइस आप देख सकते हैं नाइलॉन ग्रिप वाला है, 9 रुपीज़, सिर्फ 9 रुपये का एक पीस पड़ेगा आपको। तो अगर होलसेल में लेंगे तो ये पूरा पैकेट एक लेना 90 रुपये का, ठीक है। कितने? 10 पीस हैं 90 रुपये के। तो नेक्स्ट आइटम पे आते हैं गाइस। ये माइक होता है, ये ब्लूटूथ माइक, ब्लूटूथ माइक, ठीक है। सॉन्ग सुन सकते हो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। क्या प्राइस इसका? 350। गाइज़ ये मैंने देखा था खुद नेट पे मंगाने के लिए, तो ये करीब मेरे को 800-900 का पड़ रहा था, यहाँ पे 350 का है। और एक क्वालिटी बिल्कुल सेम है, मैंने मंगाया हुआ है एक ऐसा, तो मेरे को ज़्यादा ऐसा डिफरेंस दिखा नहीं इसमें। तो आप यहाँ से भी आके इसको परचेज़ कर सकते हो। तो अगर आप रिटेल में लोगे थोड़ा सा महंगा मिलेगा, तो इतना भी नहीं मिलेगा कि 900 का हो जाए, तो काफ़ी सस्ता है यहाँ पे। तो ये क्या है? कूलर, ये किससे काम आता है? ये हवा का काम आता है, मतलब सोप्स वगैरह पे मेन, तो जो सोप पे जो काम कर रहे हैं, मतलब कि एक आदमी का पास में रख के फिर काउंटर पे लगा, ठीक है ठीक है, सेंसर भी चलता है, ठीक है ठीक है। ये इसमें आइस स्प्रे, आइस स्प्रे, आइस डाल देते हैं, ठीक है ठीक है। क्या प्राइस इसका? 150। तो गाइज ये वही ट्राइपॉड है जो मैंने आपको यहाँ पे काउंटर पे रखा हुआ दिखाया था, ये जो इतना सा दिख रहा था बिल्कुल छोटा सा, 350 वाला भी कितना बड़ा हो चुका है, मतलब कि आप इसको कहीं पे भी रख के अच्छे से बिल्कुल इतना बड़ा खोल सकते हो। और जो आप ये देख सकते हैं ये इसके लॉक्स होते हैं, तो इसको खोल खोल के आप बिल्कुल बड़ा कर सकते हो। और फिर जो आपको मैं इस साइड दिखाता हूँ, ये इस साइड से आप इसको लूज़ करके फिर इसको भी उठा सकते हो। और ये फ़ोन का स्टैंड, तो दोस्तों ये भैया देखिए ये शॉप पे हम आज वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे आइटम्स दिखाई कि बिल्कुल सस्ते सस्ते आइटम्स मिल जाते हैं। तो उनकी खुद की ब्रांड्स भी, जो भी इनकी खुद की ब्रांड है उस पर एक साल की आपको वारंटी मिल जाती है, और कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे अभी मैं आपको भैया से बात कराता हूँ, तो भैया एक बार आपको शॉप के बारे में बताइए, कहाँ पर शॉप, कब इसकी छुट्टी रहती है शॉप की, और किस किस चीज़ में डील करते हैं? अपनी मार्केट तो मंडे क्लोज होती है, ठीक है, और मार्केट खुलने का टाइम 11:30 बजे, ठीक है ठीक है। शाम को 8 बजे तक काम होता है। ये 13:23 बेसमेंट में है, मेन गफ्फार मार्केट में, ठीक है। इधर सार जो भी दुकान है सारी ऐसे रिस्क की दुकान है, ठीक है। तो भी आप मतलब कि होलसेल में डील करते हो, तो अगर कोई रिटेल में आपसे लेने आए हमारी वीडियो देख के, तो आप उसको रिटेल में दोगे या नहीं, होलसेल में ही दोगे? नहीं, रिटेल में दे देते हैं, ठीक है, बट खाली टाइम, खाली टाइम मतलब कि थोड़ा सा प्राइस ऐसे डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो वैसे आप देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, जैसे ऑक्स केबल का पूरा पैकेट आता है तो 90 रुपीज़ का पूरा पैकेट आ जाएगा, और आप एक लोगे तो 50 या 100 की आएगी, तो आपको अब पूरा लेने में फ़ायदा है। तो कई बार क्या होता है वो कटवट जाती है, तो वैसे यहाँ पर क्वालिटी मैंने देखा था उसका काफ़ी बढ़िया है। तो भी आप यहाँ पे लेने आओगे तो आपको बिल्कुल बढ़िया कस्टमर केयर मिलेगा। हाँ तो भाई ठीक है, भाई को कमेंट देते रहेंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इंटरनेट ऑफिस से जाकर तो भी आते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको फुल एंटरटेन करेंगे भाई, टेंशन ना। भाई अगर किसी ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी 100 सब्सक्राइबर क्रॉस करवाओ, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो अभी आपको थोड़ा शोर आ रहा होगा, यहाँ पे मेट्रो जा रही है, तो सॉरी फॉर दिस। और भाई अलग चैनल है जो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक बार जाकर उसमें चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और नहीं मिला तो गाइस देख लेना, एक ही नाम से चैनल जनरल टॉक्स बाय पीजे, कोई चैनल नहीं मिलेगा इस टाइप से, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।